हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है और प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले 4 को प्रतिशत में बदलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब भी कोई संख्या होता है और इसको प्रतिशत में बदलना होता है तो आपको इसमें 100 से गुना को करना है, यानी 4 से गुना 100 में करें तो यह हो जाएगा 400। इसको देखिए, हम लोग प्रतिशत में लिख सकते हैं 400%, यानी 4 को अगर प्रतिशत में बदलें तो वह हो जाएगा 400%। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देख सकते हैं, पर दूसरा प्रश्न है 7/2 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 7/2 को, और इसको देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें 100 से गुना किया जाता है। अब आपको देखिए 2 से 100 को काटना है, यह कट जाएगा 50 बार में। अब आपको 7 से 50 में गुना को करना है, 7 से गुना 5 में करें तो यह हो जाएगा 35। यहाँ पर देखिए 0 है तो यहाँ पर 1 0 लग जाएगा, और इसमें आपको प्रतिशत का चिन्ह को लगा देना है, यानी 7/2 को प्रतिशत में बदलें तो वह हो जाएगा 350%। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए है 2/1/4, यह देखिए मिश्रित भिन्न में। तो सबसे पहले आपको इसको साधारण भिन्न के रूप में बदल लेना है, यानी आपको 4 से 2 में गुना करना है और ऊपर वाले संख्या को जोड़ना है। 4 से गुना 2 में करें तो यह हो जाएगा 8, 8 में 1 जोड़ने पर यह हो जाएगा 9, और इसके बट्टा में देखिए 4। अब देखिए, आपको इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है तो इसमें आपको 100 से गुना करना होगा। अब आपको देखिए 4 से 100 को काटना है, 4 से 100 को काटें, यह कट जाएगा 25 बार में। अब आपको 9 से 25 में गुना को करना है, 9 से गुना 5 में करें तो यह होगा 45/5, 4 हो जाएगा हासिल। 9 से गुना 2 में करें तो यह होगा 18, और 4 था हासिल तो यह हो जाएगा 22। यानी अगर 2/1/4 को प्रतिशत के रूप में बदलें तो वह हो जाएगा 225%। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि प्रतिशत से भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है। तो देख सकते हैं, पर पहला प्रश्न है 5% को भिन्न के रूप में बदलना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है 5 को। देखिए, जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो इसके बट्टा में लिखा जाता है 100 को। अब आपको 5 से 100 को काटना है, 5 कट जाएगा 1 बार में और 100 कटेगा 20 बार में, यानी 5% को भिन्न के रूप में बदलें तो वह हो जाएगा 1/20। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए है 4/3% को भिन्न के रूप में बदलना है। देखिए, जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो इसके बट्टा में 100 को लिखा जाता है, लेकिन देखिए इसके साथ यह होगा गुना में। अब आपको देखिए 4 से 100 को काटना है, यह कट जाएगा 25 बार में और 4 कटेगा 1 बार में। देखिए, ऊपर में होगा 1, अब आपको 25 से 3 में गुना को करना है, यह हो जाएगा 75। यानी 4/3% को आप 1/75 लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए मिश्रित भिन्न के रूप में है, तो सबसे पहले आपको साधारण भिन्न के रूप में बदलना है, यानी इससे इसमें गुना करेंगे और ऊपर वाले संख्या को जोड़ेंगे। 4 से गुना 2 में करें तो यह हो जाएगा 8, 8 में 2 जोड़ने पर यह हो जाएगा 10, और इसके बट्टा में देखिए 4 है। यहाँ पर देखिए प्रतिशत है तो यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह को लगा लेंगे। अब आपको देखिए, सबसे पहले लिखना है 10/4 को। प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बट्टा में 100 को लिखा जाएगा। अब आपको 10 से 100 को काटना है, यह कट जाएगा 10 बार में और 10 कटेगा 1 बार में। यानी देखिए, ऊपर में हो गया 1, अब आपको 10 से 4 में गुना को करना है, यह हो जाएगा 40। यानी 2/2% को भिन्न के रूप में कितना लिखा जाएगा, वह लिखा जाएगा 1/40। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है
और प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है।